बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं हूं जी आपका दोस्त आपका होस्ट पाशा कसूरी। तमाम कबूतर परवर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज के इस ब्लॉग में, ये बड़ा अहम ब्लॉग है, बहुत अहम ब्लॉग है, लाहौर की कबूतरबाजी से मुतल्लिक है। ये मैं आपको बता दूंगा, लाहौर की कबूतरबाजी और कसूर के एक नामवर उस्ताद उस्ताद करीम बख्श मरहूम, इनके भी हुकुम पे ये भी लाओ, और इसमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आप खुश हो जाएंगे सबके। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब उस्ताद, ये 1980 के राउंड बार की बात है, जब उस्ताद करीम बख्श जो ना लाहौर में उन्होंने अपनी कबूतरबाजी शुरू की, कसूर में उनकी कबूतरबाजी भी कमाल की रही है। अच्छा, मिस्त्री खानदान जो था ना, बड़ा मजबूत खानदान था कसूर का, कबूतरबाजी के हवाले से वो कम ही किसी से आता था, लेकिन उस्ताद करीम बख्श उनके उनके पक्के हरीफ थे, मजबूत हरीफ थे, हारते थे जीतते थे, लेकिन वो इलाक बाद लेकर खेलते थे वो उनके साथ, दूसरे उनसे डरते थे यार ये तो बहुत मजबूत है, लेकिन उस्ताद करीम बख्श में ऐसी कोई चीज नहीं, फौरन वो बहादुरी से उनका मुकाबला करते। शायद इसकी वजह एक थी, इसकी वजह उनके दोस्त थे, दोस्त थे। ये तो लाला यूसुफ अंसारी मरहूम जो है फौत हो गए हैं, वो तो उनके शगे थे, वो भी उनको कबूतरबाजी में बड़ी सपोर्ट करते थे, बच्चे भी देते थे, अच्छा कबूतर होता था वो भी देते थे, और दूसरे जो थे ना वो रंग वाली मादी के मालिक अहमद खां कड़े वाले, वो भी इनके इनको सपोर्ट करते थे, बच्चे देते थे उड़ने के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी अहम शख्सियत है कसूर की, वो है लाला कमरदीन खान, ये भी कोड़ा बना के, यानी लाला यूसुफ भी कोड़ा बना के लाठी है, और वो भी लाला कमरदीन खान भी कोड़ा बना के लाठी है, ठीक है जी। उनके तार वाले कबूतर बड़े कमाल के, कमाल के कमकर कबूतर उनके पास थे, तो कमाल के कबूतर बड़े अच्छे कबूतर थे, कसूरी लाला को कबूतर उनके पास बड़े कमाल के, जिनका बहुत अच्छा लगा था लाला कमरदीन खान को, और भी शायद एक कबूतर, लेकिन बहुत अच्छे कबूतर थे उनके पास। वो चुंगियां उस वक्त होती थी सरकारी चुंगियां, उनके सफरे लेने, ठीक है, उनका बीन के साथ बड़ा ज्यादा लगता, तो वो भी बच्चे यहाँ पे दिया करते थे, ठीक है जी। इसके अलावा ताजदीन और जाज इनके भाई थे, उस्ताद करीम मरहूम के भाई थे, वो भी शौक वो जोड़े रखते थे, अच्छी तो सूझ बूझ रखते थे, वो भी वहां पे जोड़ते थे। ये सारे मिलके ना जो है उस्ताद करीम के लिए तकवीयत का एक जरिया थे, ताकत का एक जरिया थे, कबूतरबाजी के मैदान में ये सारे, ठीक है जी। और ये जब उनको बच्चे, अच्छा चाहे बच्चा शाम तक उड़ता था, 5 बजे तक उड़ता था, वापस नहीं लेते थे वो सारे दोस्त, वापस आप जोरों में इस्तेमाल करें, बनाए इनको अच्छी कबूतर बनाई अपने पास, क्योंकि जो थे ना उस्ताद करीम बख्श मरहूम बड़े प्यारे इंसान, दोस्तों के दोस्त, बड़े धीमे इंसान, बड़े प्यारे इंसान, दूसरों का तल्लक रखना जानते थे, दूसरों से प्यार करना जानते थे, बड़ों का एहतराम करना जानते, बहुत प्यारे इंसान थे, जिन उनकी मैं जितनी भी तारीफें करूं कम है, ठीक है जी। ये है तो अब मैं आपको बताता हूं कि लाहौर की कबूतरबाजी, लाहौर में 10-11 बजे तक कबूतर बैठ जाया करते, गंदीले कबूतर होते थे लाहौर, अच्छे कबूतर नहीं हुआ करते, वो बैठ जाते थे, और फिर लाहौरिया ये कबूतर बैठाकर कसूर में जाके कबूतर देखते थे, उड़ते कबूतरबाजियां देखने जाते थे, 12, 1, 2, 5 बजे तक, तो वो हैरान होते थे इतने बजे तक भी कबूतर उड़ते हैं, ये इनका उस वक्त जरा सोच थी नजरिया। अच्छा, तो फिर कुछ लाहौर के दोस्त ऐसे थे जिन्होंने, जिनके साथ उस्ताद करीम बख्श का तल्लक, मरहूम का तल्लक बन गया, उनमें पहले एक चीज कई है, लेकिन मैं बारी बारी उनका जिक्र करूंगा, अगले ब्लॉग में, फिर उससे अगले ब्लॉग में, फिर उससे अगले ब्लॉग में। तो जनाब पहली शख्सियत जो है जिन्होंने उस्ताद करीम बख्श को लाहौर में कबूतरबाजी करने की दावत दी, वो थे बिला ट्रका वाला, बिला ट्रका वाला भी बड़ी मशहूर शख्सियत है लाहौर के, ठीक है जी। तो उन्होंने उनकी एक ना ये दरियाए रावी के साथ ही ना किनारे पे खूब वाली छत थी, उनकी जगह थी, वहां पे उन्होंने उनका आप यहाँ पे उठाए, जगह दी, गुड्डे दिए, हर सूरत दी उनको। तो उस्ताद करीम बख्श ने कसूर से कबूतर लाए, मुख्तलिफ दोस्तों के भी, अपने घर से भी लाके यहां पे छोड़े,
और तैयारी की। एक साल उन्होंने वहां से पढ़ाई, कई घरों से उनकी बातियां लगी लाहौर में। एक नया ग्रंथ था कई जो लाहौर में अपने आप को बड़ा कमी देते थे, उन्होंने लगाई इनके साथ बात में। लेकिन ये 1980 के राउंड बाद बात है, ये मैं आपको बता दू। अच्छा, कौन पर बातियां उड़ाई? कबूतर का बहुत अच्छा उड़ा, इस तरह दो टैरी कबूतर के उस साल बहुत अच्छे उड़े। तो तमाम छतों को उन्होंने करीब यानी सात वादियां थी, चार वादियों में उन्होंने तमाम छतों को क्लियर सीट कर दिया, जीत गए। ये पहले साल की उस्ताद गरीब बख्श की लाहौर में कारकर्दगी थी। और 6:30 बजे तक कबूतर बैठे थे, ये उस्ताद गरीब बख्श की लाहौर में। इसको कहते हैं कबूतरबाजी, ये है म्यार की कबूतरबाजी। लाहौरियों को सबक कबूतरबाजी का दर्स देने वाले, सब सिखाने वाले, प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले उस्ताद, पहले उस्ताद उस्ताद करीम बख्श मरहूम हैं। ले जी, वहां पे एक साल बाद अब जो थे ना बिल्ला ट्रका वाला, उन्होंने उस्ताद करीम बख्श मरहूम से कहा कि अब आप ना मेरी जो छारमी के करीब छाते हैं ना, वहां पे आप बाजियां उड़ाए, वहां से वहां मैं आपको छा तैयार कर दूंगा, ठीक है जी। फिर उन्होंने वहां पे छत तैयार कर दी। वो जो दरियाला भी कबाते नहीं जाना, कुछ होगा मसले होंगे, तो उन्होंने कहा चले मैं भी आता हूँ, जरा मैं देखना चाहता हूँ कबूतरबाजी को, करीब से देखना चाहता हूँ। शौकीन थे वो भी, बहुत ज्यादा शौकीन थे। अच्छा, वहां पे छत तैयार हो गई। तो वहां से 2 साल वादियां हो गई, काफी दूर से बच्चे लाए छोड़े वहां पे, तैयारी खूब तैयारी की। वो जो दोस्त मैंने इनके आपको बताया, और भी कई दोस्त जिन्होंने बच्चे दिए इनको, क्या वहां पे तैयारी करी। तो पहले साल जो है ना, उन्होंने उनकी जो है ना वो काफी जो है ना वहां से जो है ना वहां काफी छतों से बाधियां हुई, काफी छतों से बाधियां हुई। लेकिन उनमें से बेशमार छतों ने पहले साल बगैर उड़ाए ही बाजियां दे दी। तो कहते हैं कि गोगा पहलवान और भोला पहलवान जो इनकी छाती ना, या एक तो और भी छते थी शायद, वो उन्होंने जो है ना बाजियां उड़ाई थी, लेकिन उस्ताद करीम बख्श ने उनको क्लीन सेव किया था। बहुत अच्छे कबूतर उड़े, पहले साल भी जीत गए, दूसरे साल भी ऐसे ही रहा, लेकिन दूसरे साल उनकी ज्यादा छतों के साथ बाजियां उड़ी, लेकिन उस्ताद करीम बख्श जीते। कबूतर भी उन्होंने 4-5 बजे के बाद तक बैठाए थे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। लाहौर में कबूतरबाजी के शौक को जुनून दे दिया, लोगों में कबूतर बाजियां उड़ाने का शौक पैदा कर दिया। अब बड़े बड़े उस्ताद जो थे ना, उन्होंने भी शौक पैदा हो गया कि हम भी अब कबूतर उड़ाएंगे, अच्छे कबूतर हासिल करेंगे, और कबूतर इंशाल्लाह 6-6 बजे तक उड़ाएंगे, और कबूतरबाजी को एक नाम देंगे। ये है लाहौर की कबूतरबाजी के शौक का पहलियां सीढ़ियां जो है वो ये थी। कबूतरबाजी शानदार कबूतरबाजी का आगाज था वो 3 साल जो साल, उसके बाद भी उड़ाए हैं, काफी उड़ाए उन्होंने, वो अगले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर उस्ताद करीम बख्श ने फिर दूसरे के छतों से कबूतर उड़ाए, बहरहाल 3 साल तो उस्ताद बिल्ला ट्रका वाले की छतों से उड़ाई, लावी वाली और शालमी वाली, ये यहाँ पर ट्रकों का अड्डा था वहां पर उड़ाए, और लाहौरियों को खूब मजा दिया, उनमें खूब जुनून पैदा किया। ये उस्ताद करीम बख्श को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, लाहौर में आज जो शानदार कबूतरबाजी हो रही है, इसके बीच उस्ताद करीम बख्श मरहूम ने बोए थे। और मेरी लाहौर के कबूतरबाजों से दरख्वास्त है कि वो उस्ताद करीम कोई ऐसा एक दिन रखें सारे इकट्ठे हो, और
उस्ताद करीम बख्श के नाम पे वो फंक्शन कराएं और उनको खराज तहसीन पेश करें कि उन्होंने लाहौर में कबूतर शानदार कबूतरबाजी का आगाज किया था। ये जी मेरी इत्तेहाद है। आखिर में मैं मेरे तमाम कबूतर परवर हज़रात से दरख्वास्त है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को खास तौर पर टच करें ताकि मेरी हर बनने वाली वीडियो आप